अभी कर्नाटक का हिजाब विवाद शांत हो ही नहीं पाया था, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर राय एक नहीं हो पाई थी, सर्वोच्च अदालत में फैसला आ नहीं पाया था कि अब दूसरे राज्य में भी हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यूपी से लगने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर में हिजाब को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। महान दर्शनदास महिला कॉलेज से जुड़ा ये पूरा मामला है, जहां रविवार को हो रही परीक्षा में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची थीं, जिस पर क्लासरूम में मौजूद शिक्षक भड़क गए थे और छात्राओं को हिजाब हटाने को कहा था। दरअसल शिक्षक को शक था कि इन छात्राओं के कान में ब्लूटूथ है और हिजाब पहनने के बाद कान तो दिखाई नहीं देते। इस पर छात्राएं भड़क गईं और महिला गार्ड को बुलाकर जांच करने की बात कहने लगी कि अगर कोई भी आपत्तिजनक सामान निकला तो बिना परीक्षा दिए चली जाएंगी। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक ने बात नहीं मानी और हिजाब हटाने के लिए कहने लगे। शिक्षक ने हमें देशद्रोही तक कह डाला, कहने लगे रहती हो यहाँ और गाती हो वहाँ का। शिक्षक की इन्हीं बातों पर छात्राएं भड़क गईं और फिर जो कॉलेज में हंगामा खड़ा हुआ वो शांत ही नहीं हुआ। छात्राएं बिना परीक्षा दिए ही बाहर निकल आईं और कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन करने लगीं। विवाद पर MDDM कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्या कहा? कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कनुप्रिया के मुताबिक ये सब माहौल खराब करने की साजिश है। कॉलेज का इतिहास काफी पुराना है, सभी इंटर की छात्राएं थी। इन लोगों को मोबाइल और ब्लूटूथ हटाने को कहा गया था, लेकिन इन्होंने इसे अलग ही इशू बना दिया और धर्म से जोड़कर विवाद करने लगी। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इन छात्राओं का अटेंडेंस भी 75% से कम है। अब तो शिक्षा मंत्री और यूनिवर्सिटी का निर्देश है कि इससे कम परसेंट वाली छात्राओं को फाइनल एग्जाम में बैठने ना दिया जाए। ये लोग बेवजह का दबाव बना रही हैं ताकि कॉलेज प्रशासन इनके सामने झुक जाए। हिजाब की कोई बात नहीं थी, ये जिस शिक्षक पर आरोप लगा रही हैं उन्होंने देशद्रोही पाकिस्तान जाने जैसी कोई बात नहीं की थी। ये लोग मनगढ़ंत बात बनाकर बेवजह मामले को तूल दे रही हैं। अब विश्वास आपको प्रिंसिपल की बातों पर करना है या फिर छात्राओं की बात पर, वो तय आपको करना है। बाकी विवाद तो हिजाब से जुड़ा ही शुरू कर दिया गया है। माहौल पूरा कर्नाटक हिजाब विवाद से मिलता जुलता तैयार कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट को जरूरत है जल्द से जल्द इस मामले में जो सही फैसला हो उसे सुनाने की, नहीं तो ये विवाद अभी तो बिहार पहुंचा है, फिर आगे भी न जाने और कौन कौन से राज्य में ये विवाद पनपेगा, जिसमें सच्चाई का भी पता लगाना मुश्किल होगा कि जानबूझकर इसे तूल दिया जा रहा है या सच में कोई परेशानी है, कौन सही है और कौन गलत, इसका ही चयन करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे जब मामले का पुलिस को पता चला था तो मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा महिला को लेकर मौके पर पहुंचे थे, छात्राओं को समझाने की कोशिश भी की थी, तो पुलिस वालों से भी उलझने का छात्राओं पर आरोप लग रहा है। पुलिस कर्मियों से भी छात्राओं का खूब वाद विवाद हुआ है। कुछ देर बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत कराया और इस पूरे मामले पर प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है वो तो आप जान ही चुके हैं। हालांकि छात्राओं ने फिर एग्जाम भी दिया और चुपचाप वहां से चली भी गई। लेकिन फिलहाल अभी लगता नहीं कि मामला यहाँ शांत हुआ है, लग रहा है ये तो बस बिहार में भड़की चिंगारी भर थी, अभी इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। वैसे आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आप इस मामले को लेकर अपनी क्या राय देना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।